मोहम्मद उमर, उसके बाद हाफिज मोहम्मद असद मोहम्मदी सैफी, इन्होंने भी जामिया मोहम्मदिया सैफिया मुर्शिदाबाद कच्चा फतोमंड से अपने कुरान करीम के हिफ्स को मुकम्मल किया। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, इनका ताल्लुक भी यहाँ कच्चा फतोमंड से है, इन्होंने भी यहाँ इसी जामिया से कुरान करीम को मुकम्मल किया। हाफिज मोहम्मद हम्माद मोहम्मदी सैफी, इन्होंने भी इसी जामिया से अपने कुरान करीम के हिफ्स को मुकम्मल किया और इनका ताल्लुक भी हमारे इसी इलाके से है, कच्चा फतोमंड से। हाफिज मोहम्मद जैन, इन्होंने भी अपना कुरान करीम इसी जामिया से मुकम्मल किया। उसके बाद हाफिज मोहम्मद अली मुल्ला, इन्होंने भी इसी जामिया से अपने कुरान करीम के हिफ्सुल कुरान को मुकम्मल किया। और उसके बाद जिन्होंने नाजरतुल कुरान को मुकम्मल किया, मोहम्मद तलहा मोहम्मद अली, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद हसीब मोहम्मदी सैफी, इस बच्चे ने दरस इंजामी के पेपर इस साल इस जामिया से दिए और साथ ये स्कूल भी पढ़ रहा था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और हुजूर सरकार पीर मुर्शिद की निगाह का सदका है कि आज पहला इस जामिया का जलसा दस्तारे फजीलत है कि बड़ी मुश्किल से ये काम चलता है और ये काफिला चलता गया और सरकार पीर मुर्शिद की नज़र का सदका कि आज ये काम जो है वो जारी सारी है। और अल्लाह ताला आपकी निस्बत का सदका ये क्यामत तक काम जो है वो जारी रहेगा बिहम्दिही ताला, और ये काम क्यामत तक जो है वो ये तालीम और तालुम का, कुरान और सुन्नत की तालीम का ये जो काम है ये क्यामत तक जो है वो जारी रहेगा। तो यकीनन इनके वालदैन भी बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्होंने सुबह रात मेहनत की, इनको मदरसे के अंदर बेचते रहे, इनके खराजात बर्दाश्त करते रहे और फिर वो दिन आया आज का कि इन्होंने कुरान करीम को मुकम्मल किया और आज सरकार पीर मुर्शिद के हाथ मुबारक से उनके सरों के ऊपर दस्तारे फजीलत सजाई जा रही है। अल्लाह ताला इस